साथ इशिका गुप्ता। लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया था। यह हैरानी की बात है कि भारत का एक राजनेता यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकता लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल रहा है। बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी तरह संसद में भी बोलने नहीं दिया जाता है, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी या फिर चीनी घुसपैठ का मुद्दा हो। ये शर्मनाक है लेकिन सच है कि हमें विचार रखने के आजादी भारत में नहीं दी जा रही है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि उस माहौल को बर्बाद कर दिया गया है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने एक बार फिर विनायक सावरकर को निशाना बनाया। कहा कि सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने एक बार अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम की पिटाई की थी। ये कायरता है और साथ ही साथ कमजोरों को सताना और ताकतवर से डरने जैसी चीजें हैं और ये बीजेपी की विचारधारा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा दिया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बयान काफी चर्चा का विषय बन गया है। बता दें चर्चा से ज्यादा इस पर विवाद खड़ा हो रहा है। हालांकि अभी तक बीजेपी की कोई कड़ी प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बयान पर सामने नहीं आई है लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ विनायक वीर सावरकर को भी निशाना बनाया और साथ ही साथ उनकी किताब के बारे में भी जिक्र करते हुए बीजेपी और उनकी विचारधारा को एक जैसा बताया। आगे देखना ये होगा कि बीजेपी क्या अब इस बात पर कोई विवाद खड़ा करती है या नहीं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे punjabkesari.com।